हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और हैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सा हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही प्यारा बन बनता है। ये बन आप लोग ईद के लिए स्पेशली बना सकते हैं, एक रफ सा मैसी सा बन। अगर आपको लुक चाहिए इस तरह की, तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ एक बड़ा खूबसूरत सा बन बनाना सिखाऊंगी। तो टाइम जाया कि अब यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट। सबसे पहले तो आप लोग मेरे बालों की कंडीशन चेक कर लें कि मैंने इनमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। मैंने सिंपली बालों को वॉश किया हुआ है, वो भी एक दिन पहले वॉश किया था, यानी कि कल मैंने बालों को वॉश किया था, कंडीशनर अप्लाई किया था। इसके अलावा कोई हेयर ऑयल, कोई सीरम, कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। अभी बाल बिल्कुल सिंपल वैसे ही हैं, ना ही स्ट्रेट किए हैं, ना ही कुछ कर्ल वगैरह करना है। बस सिंपली हमने इन्हीं बालों के साथ अपने हेयर स्टाइल को परस्यू करना है। चलिए जी, हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा जी, इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आपको फ्रंट से कोई स्पेशल लुक निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसी भी लुक चाहें आप लोग उसको बना सकते हैं। अगर आपने फ्रंट में से मांग निकालनी है, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह की लुक रखनी है, आप लोग वो रख सकते हैं। आप लोगों ने साइड पे इस तरह की लुक रखनी है, वो रख सकते हैं। यानी साइड से थोड़े से बाल लेकर आप लोग उनको डिफरेंट वेज में कैरी कर सकते हैं। आप लोग उनका कर्ल, उनको कर्ल कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, जिस तरह की भी लुक में एडजस्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। अभी जी हम लोग फ्रंट से थोड़े से बाल निकाल लेते हैं, जिनकी हमने फ्रंट पे थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे इनको मैं स्ट्रेट कर लूँगी या कर्ल कर लूँगी, बाद में ये चेक करते हैं। बहरहाल अभी हमने बस थोड़े से ये बाल निकालने हैं, ठीक है। चलें जी, फ्रंट से मैंने सेक्शनिंग कर ली है। अब यहाँ कानों के पास से हम लोगों ने अपना एक सेक्शन लेना है, ठीक है, यूँ इस तरह से करके, और यूँ यहाँ से भी इस तरह से करके, यूँ इस तरह हमने ये सेक्शन अपने बालों का लेना है। छोटा सेक्शन नहीं लेना, बड़ा बड़ा सेक्शन लेना है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अब हमने करना है यहाँ पे सेट, अपने फिंगर कॉम करके अपने बालों को इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, क्योंकि हमने इसको बाद में लूज करना है। फ्रंट से मुझे लग रहा था थोड़े से बाल ज्यादा है, मैंने उनको पीछे की तरफ थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। ये चेक करें, तो इस तरह के रिबन ले सकते हैं। यहाँ पे ये वाला रिबन ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लैक रिबन नहीं है। आप लोगों ने ब्लैक रिबन लेना है या ऐसा रिबन लेना है जो कि आप लोगों के बालों के साथ मैच कर रहा हो और वो विजिबल ना हो, ठीक है। तो अभी हम इस रिबन के साथ यहाँ पे इसको टाई करते हैं, बिल्कुल कानों की सेध में। ये देखें, ठीक है। यहाँ पर जी इसकी इस तरह से ये रिबन बांधने के बाद हमने इसको हल्का सा लूज करना है और इसको मिडल पोर्शन में से अब ये देखें, यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा होता कि पीछे किस तरह का हेयर स्टाइल बन रहा है, कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। आप लोग इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, एक बैक साइड पे मिरर लगा लें, एक फ्रंट साइड पे मिरर लगा लें, और फ्रंट मिरर से आप लोग बैक साइड पे देख सकते हैं कि किस तरह का हेयर स्टाइल बन रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे अभी फिलहाल मिरर नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से ही यूज बनाऊंगी। हमने यहाँ यहाँ से इनको हल्का हल्का सा लूज करना है, ठीक है, क्योंकि हम मैसी बन बना रहे हैं, तो हम एक ज़रा रफ सी लुक यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बाद में हम पिंस के साथ इनको हैंडल कर लेंगे, अभी हमने यहाँ पे एक रफ सी लुक बनानी है, ठीक है। यहाँ से अभी आपको रफ लुक आएगी, लेकिन अभी हमने क्योंकि लूज करना है तो ये बाद में ठीक हो। चलें जी, आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनको हमने यहाँ से हल्का हल्का लूज कर लिया है बालों को। अब अगेन हम लोगों ने दो पोर्शन लेने हैं इस तरह से दोनों साइड से, और इनको हमने यहाँ पे उसी तरह से रिबन में बांध देना है, ठीक है। ये हमने इसका रिबन लगाया था, इसी के नीचे हमने इसका भी रिबन लगाना है। अगर आपके बाल मीडियम लेंथ में हैं तो ये हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि बालों को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है।
ये मैंने इसको बांध लिया है। इसको बांधने के बाद अगेन हम वही स्टेप करेंगे, हमने मिडिल पोर्शन में से इसको निकाल लेना है। पोर्शन में से हमने इसको निकाल लिया, इसको टाइट करना है, ठीक है। और टाइट करने के बाद अगेन हमने इसको यहाँ से लूज करना है। लूज करने के बाद ये कुछ इस तरह की लुक क्रिएट हो रही है। इसको भी लूज किया है, इसको भी लूज किया है। अब जो रिमेनिंग हेयर हैं उनकी हमने बनानी है सिंपल ब्रेड, जो कि हम लोग बनाते हैं, उनकी हमने बनानी है सिंपल ब्रेड। तो अभी इसकी सिंपल ब्रेड बनाते हैं। आप लोग चाहें तो कोई दूसरी ब्रेड भी बना सकते हैं। आप लोग मीडियम टाइट बना सकते हैं, ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज नहीं बनानी, क्योंकि बाद में हम लोगों ने इसको लूज करना है, तो इसलिए इसकी फुल ब्रेड बनाएं। चलें जी, ब्रेड मैंने कंप्लीट बना ली है और नीचे से इसको मैंने इस तरह से यानी कि टर्न करके इसको मैंने रिबन में बांधा है। अब हमने इसको करना क्या है मैं आप उनको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी ब्रेड तो बन गई है। जितनी आपके बालों की लेंथ है आप लोगों ने इसको यहाँ पे डबल कर लेना है, यहाँ पे आप लोग ट्रिपल करें और फिर यहाँ पे आप लोग आज, ठीक है। जहाँ पे आपके बालों का ये फर्स्ट हमने रिबन लगाया ना, बस उसी रिबन पे आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना है। अब ले लेनी है इस तरह की पिंस, ठीक है। इस तरह की पिंस लेके हम पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। फिर आप लोगों ने सारी जुड़ा पिंस यूज़ करनी है, क्योंकि उनके साथ हैंडलिंग अच्छी होती है, हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। ये देखें, अच्छी अच्छी यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लें इसको इस तरह से। अब इसकी लुक तैयार है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैसी कर सकते हैं यहाँ पे। आप लोग देखें जी, जूड़े की फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है। मैंने इसको लूज किया है, पिंस के साथ एडजस्ट कर लिया है। अगर आपके रिबन्स विजिबल हो रहे हैं आप उनके ऊपर कुछ टाई वगैरह यूज कर सकते हैं। चले जी, यही थी हेयर स्टाइल की फाइनल लुक। आई डू होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। फ्रंट पे आपके जो बाल हैं आप लोग इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, पिन अप कर सकते हैं, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। और इसको लाजमी ट्राई करिएगा एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा, लुक कैसी आई अगर आपने ये बनाया। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।